दोबारा मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना भुगतनी पड़ जाए, मगर आज के बाद मैं आपकी मदद कभी नहीं लूंगी। ये तमंचा हमें तुम्हें कमर में घुसने के लिए नहीं दिए, पूरा सटा देना उसके खुपड़ी में, सारी हिकड़ी निकल जाए। रोक वरना गोली मार दूंगा। एक रोज रंगराज हमारे घर पे आया और उसकी गंदी नजर दीदी पे पड़ गई। उसने हमें फाइनेंशियली डैमेज किया, इसके चलते हमारे ऊपर उसका कर्जा हो गया और इसी बात का फायदा लेते हुए उसने मामिता दी का हाथ डैडी से मांग लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? और ये रंगराज तुम्हारे घर पहुंचा कैसे? वो हमारे घर हमारा बिजनेस पार्टनर बन के आया था। पहले उसने हमारे काम पर हक जमाया और फिर उसने दी को निशाना बनाया। अपने घर के चंद तिनके समेटने के चक्कर में रंगराज ने अपने हवस की आग में हमारा पूरा घर जलाकर राख कर दिया। डैडी ने दीदी को मुझे अपने साथ लेकर कहीं दूर जाने के लिए कहा, पर रंगराज के कुत्ते हमें सूंघते हुए हर जगह पहुंच गए थे। जब रंगराज को लगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, तब उसने दीदी की खूबसूरती पर एसिड फेंकवाया। उनको बचाते बचाते कुछ छींटे मुझ पर भी गिरे, पर मेरी दीदी दर्द सह नहीं पाई और उन्होंने मेरी गोद में दम तोड़ दिया। अंकुश, अंकुश तुम चिंता मत करो, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। कमला, कमला, क्या अभी मुझसे नाराज हो? मुझे इन सब बातों की आदत सी हो गई है। नहीं कमला, कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है मुझे सबसे पहले तुमसे उस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये सफेद गुलाब, ताकि हमारे बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो जाए। व्हाइट रोज, यानी कि प्यारा सा सफेद गुलाब। कमला, मैं चाहता हूं कि आज के बाद हमारे बीच के सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए और हमारे चारों ओर शांति ही शांति हो। प्लीज से ले लो। अब गिले शिकवे दूर हो गए हैं तो मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती भी हो जानी चाहिए। नहीं, ये पीला गुलाब, हमारी दोस्ती के लिए। और अब सारे गिले शिकवे भी दूर हो चुके हैं, हमारी दोस्ती भी हो चुकी है, तो अब हमारे बीच में प्यार के सिवा और कुछ नहीं बचता, है ना कमला? मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं और तुमसे उसी प्यार की उम्मीद भी रखता हूं।
तो इस फूल का मतलब तो नहीं समझाना पड़ेगा ना। और सिर्फ सिर्फ ये उम्मीद रखता हूँ कि तुम भी मुझे वैसा ही प्यार करो। तू रही मुझसे, ये क्या बदतमीजी है वारिन बाबू? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं कमला, तुमने अभी बारिन का नाम लिया ना? महेश बाबू आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। कमला तुमने अभी अभी बारिन का नाम लिया, मैंने अपने कानों से सुना है। सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझसे झूठ मत बोलो कमला, तुम अभी बारिन के ख्यालों में थी ना? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, सच बोलो, तुम बारिन के बारे में सोच रही थी ना? बोलो कमला। हाँ, बारिन बाबू की छवि मेरे मन में बस गई थी। जिस तरह से आपने मुझे फूल दिए, ठीक उसी तरह से उन्होंने भी, मगर मैंने। मगर क्या कमला, मगर क्या? तुम्हारे उसके साथ भी ताल्लुकात थे? अगर ऐसा है तो मुझे सब कुछ सच सच साफ साफ बता दो प्लीज। आज भी आप मुझ पर शक करने की कोशिश कर रहे हैं? तो तुम मुझसे और क्या उम्मीद करती हो? हाँ, क्या उम्मीद करती हो? और बारिन तुम्हें इस तरह फूल कैसे दे सकता है? इसके पीछे किसका हाथ है कमला? ये सब तुम्हारी मनचली आदतों का नतीजा है। बस बस महेश बाबू बस। कमला शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। अरे एक तरफ तुम हो और एक तरफ सुशीला थी, जिसने याददाश्त जाने के बाद भी कभी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठा के तक नहीं देखा। महेश बाबू आज मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि आपने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। और मुझे तुम्हें समझना भी नहीं है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ता हूँ मुझे तुमसे वफा की खुशबू की जगह बेवफाई की गंध आती है। घिन आती है मुझे तुमसे, घिन आती है। अगर ऐसा है तो दूर रहिए मुझसे, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तुम्हें क्या लगता है कमला कि तुम हजारों गलतियां करती जाओगी और मैं तुम्हें माफ करता जाऊंगा? इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा कि मैं तुम्हें किसी और के साथ देख सकूं। कमला मैं तुम्हारी गलतियों की सजा नहीं भुगतूंगा, कमला बिल्कुल नहीं भुगतूंगा, समझी? तुम्हें अपने रास्ते बदलने होंगे, बदलने होंगे। आएगा 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 आने वाला आएगा। तुमने पुकारा और हम चले आए जान। कक्की क्या सारा मूड खराब कर दिया? ओरे बाबा मैंने सारा मूड खराब कर दिया या तूने मेरी सारी साड़ी खराब कर दी? चल हट। वैसे कक्की तुम ये इतनी पुरानी साड़ी क्यों रफू कर रही हो? अरे कहते हैं प्रेम जितना पुराना होता है उतना ही उसका रंग गहराता जाता है। हाय कक्की, इस उम्र में किसके दिन खराब हुए हैं जो तुम ये बाबा आदम के जमाने की साड़ी पहनने वाली हो उसके सामने? ओरे बाबा ये मेरी शादी की साड़ी है। क्या कक्की, इस साड़ी में तो कोई बुढ़ा भी तुम्हें नहीं देखेगा।
हटाओ इसे, कुछ नया क्यों नहीं पहनती? पागल हो गई है क्या? अरे बाबा, करवा चौथ के दिन औरतें वही साड़ी पहनती है जिसमें उसका पति उसे ससुराल लाता है, इसीलिए मैं ये साड़ी ठीक कर रही हूँ। कक्की, तुम सच में करवा चौथ का व्रत रखने वाली हो? हाँ, इसमें क्या बुराई है, मैं तो हर साल रखती हूँ। हाँ, यही तो मैं पूछने वाली थी कि तुम ये व्रत क्यों रखती हो, और वैसे भी हम बंगालियों में तो ये पूजा होती ही नहीं है। अरे बाबा, पूजा अर्चना के लिए बंगाली या मराठी होना कोई जरूरी नहीं है। अरे पूजा तो मन से होती है, अपनी श्रद्धा से होती है, जहां अपना दिल जुड़ जाए वही असली पूजा होती है। अब क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। अब बता ना कक्की, तुम्हें क्या अभी भी विश्वास है कि तुम्हारे पति? कक्की, तुम्हारा विश्वास देखकर तो मुझे भी यकीन हो रहा है कि तुम्हारे पति जहां होंगे सही सलामत होंगे, लेकिन जब वो मिलेंगे तो तुम उन्हें मुझसे क्या कह के मिलवाओगी और मैं उन्हें क्या कहूंगी? अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है, मैं उनसे कहूंगी कि तू मेरी बेटी है और तू उन्हें बाबा कह के बुलाएगी, और क्या। मगर कक्की, मेरे बाबा को शक नहीं होगा कि इतने सालों से तो वो तुम्हारे साथ नहीं थे, तो फिर मैं बीच में कहां से आ गई? परी, तू भी ना मुंह खुलाने और तेरी बकबक चालू, अरे तब की बात तब देखी जाएगी, पर उन्हें जो सोचना है सोचने दो। मैं बस इतना जानती हूँ कि तू मेरी गुड़िया रानी है, मेरी बच्ची है, मेरा सहारा है तू। कक्की, तुम मुझे इतना प्यार करती हो? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही तेरा मन रखने के लिए कह रही थी। अच्छा कक्की, मेरे एक सवाल का जवाब दो। अरे बाबा, अभी तक तेरे सवाल खत्म नहीं हुए। कक्की बोलो ना, अगर बाबा ने ऐसा कहा कि वो तुम्हारे साथ तभी रहेंगे जब तुम मुझे छोड़ दोगी, तो क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगी क्या? अरे बाबा, वो ऐसा सवाल क्यों करेंगे। मैं एक बात साफ कह देती हूँ, मैंने भले ही तुझे अपने कोख से जन्म नहीं दिया, मगर मैंने हमेशा तुझे अपने कलेजे का टुकड़ा समझ कर पाला है, और कोई भी अपना कलेजा काट कर नहीं फेंकता। चल अब, एक तो पहले ही मेरी साड़ी खराब कर दी, अब क्या मुझे रुला के मानेगी? चल जा, और हाँ, चल तेरे हाथों में दवा लगा देती हूँ। मौमिता के साथ इतना कुछ हो गया, हमें इस तरह से चुप नहीं बैठना चाहिए। कितने लोग हैं जो लड़कियों को बुरी नजर से देखते हैं, हमें उनके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। इसमें तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि बारिन भी पीछे नहीं हटेगा। अंकुश, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये दुनिया के हर एक बाप हर एक भाई की लड़ाई है, और इस लड़ाई में मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। हेमदी, ये क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए। किस बात की माफी? जब मुझे पता चला कि आप किसी ऐसे गिरोह के खिलाफ लड़ने जा रही हैं जो बच्चे चोरी करते हैं, तो लगा कि कहीं मैं अपनी दूसरी बहन भी ना खो दूं, और मैंने आपको धमकी भरे कॉल करना शुरू कर दिया। कमला, मैं हूं। अरे हेम जी, आप कब आई? कमला, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो?
और मैंने आपको धमकी भरे कॉल करना शुरू कर दिया, पर आप पीछे नहीं हटी। फिर मैं आपको डराने के इरादे से आपके घर में चाकू लेके घुसा था। मेरा आपको या किसी और को नुकसान पहुंचाने का इरादा कभी भी नहीं, मगर अचानक वो लड़की बीच में आ गई और उसे गलती से चाकू लग गया। मगर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं आपके लिए बहुत डर गया था। मैं जानता हूं कि इसमें मेरी गलती है। अंकुश, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, मगर मौमिता को न्याय दिलाने में तुमने जो रास्ता चुना है, मैं उसमें सहमत नहीं हूं। तुम्हें कानून की मदद लेनी चाहिए। सबूतों के आधार पर तुम्हें अपने परिवार और मौमिता को न्याय दिलाना चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। कहीं कोई न्याय नहीं मिलता है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में समय और हौसले दोनों ही खत्म होने की कगार पे आ जाते हैं। आखिर में हमारे पास कुछ नहीं बचता, रहती है तो सिर्फ सुनवाई, फिर सुनवाई, फिर सुनवाई। नहीं अंकुश, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे गलत कामों में कहीं ना कहीं मैंने भी तुम्हारी मदद की है। हमें एक बार अपने कानून पर विश्वास करना होगा और रंगराज को उसके किए की सजा दिलवानी होगी। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता, वो जल्द ही किसी ना किसी रास्ते से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाएगा और फिर दूसरे उसका शिकार होना शुरू हो जाएगा। अंकुश, क्या तुम्हें अपने कानून पर भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे कानून पर भरोसा नहीं, क्योंकि ये सब मैं करके देख चुका हूं। शुरू में सब आपको साथ देने का वादा जरूर करते हैं, पर पैसे की लालच में उनके मुंह बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है अंकुश, मैं मानती हूं कि दुनिया में बेईमान लोग हैं, मगर हम सही दिशा में खोजेंगे ना तो हमें वो लोग भी मिलेंगे जो सच्चाई का कभी साथ नहीं छोड़ते। आप मुझे किसी एक इंसान का नाम बता सकती है? जिसने सच का दामन थामा हो, आपके बाबा और आपके परिवार को छोड़कर तो मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला है जिसने सच्चाई का दामन थामा हो। ये दुनिया झूठे और मक्कार लोगों से भरी हुई है हिंदी। अंकुश, ऐसा नहीं है। तुम्हारी नफरत अपनी जगह जायज है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर किसी को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दो। मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। किसी पर किए गए विश्वास का ही तो यह नतीजा है कि आज भी मैं अंदर ही अंदर सुलग रहा हूं। अंकुश, तुम मुझे अपनी बहन मानते हो ना? हिंदी, मैं जब भी आपको देखता हूं मुझे मेरी दीदी की याद आती है। ऐसा लगता है कि मेरी दीदी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। तो अपनी दीदी की एक बात नहीं मानोगे? सिर्फ एक बार कानून का सहारा लेकर देखो। मुझे पूरा विश्वास है हमें न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, बारी, तुम अंकुश का ख्याल रखना, अब मुझे निकलना चाहिए। जी हेमजी, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं कमला को मिलने जा रही हूँ और मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे अकेले ही मिलना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार।
महेश बाबू मुझे माफ कर दीजिए। कमला मैं हूं। अरे हेम जी आप कब आई? कमला तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? बहुत दर्द हुआ होगा ना? हाँ बहुत दर्द हुआ। कमला तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? कमला तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं। कुछ ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तुम्हें तो बुखार है। नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। अरे आप खड़ी क्यों है? आप बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूं। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहां पर बैठो। क्या बात है कमला? कमला ये चोट तुम्हें कैसे लगी? वो मैं चूड़ियां बदल रही थी ना इसलिए। ऐसी कैसी चूड़ियां पहनती हो कि तुम्हें इतनी चोट लग गई? थी ऐसी चूड़ियां जो हाथों को चिपकी हुई थी, उन्हें हटाते हटाते मेरी हाथों में जख्म कर दिया। बहुत दर्द हुआ होगा ना? हाँ बहुत दर्द हुआ। कमला तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? हेम जी भला मैं क्यों आपसे कुछ छुपाने लगी? तो फिर क्या हुआ? मेरे अपने ही मुझे रिश्तों के दलदल में धकलते जा रहे हैं और मैं चाहकर भी निकलने की कोशिश नहीं कर पा रही हूं, और जितना मैं निकलने की कोशिश करती हूं उतनी ही डस्ती चली जा रही है। कमला मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ क्या बात है? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। क्या बातें कर रही हो अब? अरे हेम जी आप कब आए? अरे महेश बाबू आपने देखा नहीं कमला को कितना तेज बुखार है। आप यहाँ किसी जरूरी काम से आई हैं क्या? पता नहीं क्यों कल रात जब आप लोग बिना डिनर किए मेरे घर से चले आए तब से मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। मुझे लगा कि आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लग गई होगी। नहीं नहीं हेम जी कैसी बात कर रही हैं आप? आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसी क्या बात थी जो आप दोनों इस तरह से चले आए? अरे हेम जी इस पे तो आपकी खबर है। अरे सुबह सुबह क्या मजाक लगा कर रखा है? सच में हेम जी इसमें आपका नाम लिखा है। परी कोलकाता में कितनी लड़कियां होंगी जिनका नाम हेम होगा, उनमें से किसी की खबर छपी हुई होगी। और नहीं तो क्या, वैसे भी इसने कौन सा बड़ा तीर मारा है जो इसके किस्से मशहूर होने लगे। वैसे मेरा नाम एक बार अखबार में जरूर छपा था